दरबार में सभा सजी हुई थी। सदाशिव महाराज के सामने उपस्थित हुए। शूरवीर, उम्मीद है आपका समय हमारे राज्य में अच्छा कटा होगा, परंतु आप इतने शीघ्र क्यों राजगढ़ छोड़ जा रहे हैं? ये बात सुनकर मोहिनी रत्ना के कान में फुसफुसाई। क्या शूरवीर सदाशिव कुछ और समय रुकेंगे? अगर वो हमसे सच में प्रेम करते हैं तो अवश्य रुकेंगे। हाँ महाराज, क्षमा कीजिए, पर हमें अब विजयनगर जाना ही होगा। राजकुमारी का प्रशिक्षण समय से पहले ही पूरा हो गया, क्योंकि राजकुमारी एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ निपुण ज्ञानी भी है। उन्होंने वो युक्तियां उपयुक्त समय से काफी जल्द सीख ली। चलिए ठीक है, जैसा आप उचित समझें। हमें ये अवसर देने के लिए शुक्रिया, आज्ञा दे महाराज। जाने से पहले सदाशिव ने आखिरी बार रत्ना की एक झलक देखनी चाही। शायद सदाशिव ये जानते थे कि उनका रत्ना से एक होना किसी परी कथा में विश्वास करने जैसा था। राजकुमारी, कम से कम एक आखिरी बार सदाशिव को देख लीजिए। अगर हमने उन्हें जाते हुए देख लिया तो हमारी जान भी चली जाएगी। सदाशिव आहे भर के दरबार से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने राजपुरोहित गंगाधर खड़ा हुआ मिला। उसने सदाशिव का रास्ता रोक लिया था। कहाँ जा रहे हैं शूरवीर सदाशिव? राजपुरोहित गंगाधर, हम विजयनगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इतने शीघ्र? अभी तो आपको राजकुमारी के लिए एक और काम करना है, मना मत कीजिएगा। हमें पता है वो आपके लिए क्या मायने रखती है। महाराज, हमारे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। क्या बात है राजपुरोहित गंगाधर, आज आपका सभा में अचानक कैसे आना हुआ? महाराज, आप तो जानते ही हैं, राजकुमारी जल्दी 16 बरस की हो जाएंगी। उसके पश्चात राज्य में उनका स्वयंवर आयोजित होगा, जिसमें वो अपने होने वाले वर का चयन करेंगी। और आने वाले मंगलवार को योग बेहद शुभ है, जो सौभाग्य से राजकुमारी का जन्म दिवस भी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप आसपास के राज्यों के राजकुमारों को इस अवसर पर राजगढ़ में आने का न्योता भेजें। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? हमें राजकुमारी के विवाह की कोई जल्दी नहीं है, और उससे पहले हमें राजगढ़ का उत्तराधिकारी भी तो चुनना है। हम पिताजी की बात से सहमत हैं। राजगढ़ का उत्तराधिकारी चुनने से पहले हम भला विवाह कैसे कर सकते हैं? किसी ने ये बात गौर नहीं की थी, लेकिन गंगाधर महाराज की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। गंगाधर की नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी, और बात करते वक्त उसके गले में धारण माला का पत्थर चमक रहा था। महाराज, ये योग 100 सालों में एक बार आता है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। महाराज को जैसे सम्मोहन सा हो गया था, वो किसी ख्याल में डूबकर जवाब दे रहे थे। ठीक है, ऐसा ही होगा। महामंत्री, आने वाले मंगलवार को राजकुमारी रत्ना का स्वयंवर आयोजित होगा। राजकुमारी के स्वयंवर समारोह में आप इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे शूरवीर सदाशिव? लेकिन आप राजकुमारी का दिल न दुखाइए, हमें यकीन है कि महाराज भी यही चाहते हैं। हाँ, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, यही हमारी आज्ञा है। सदाशिव बिना कुछ कहे राजकुमारी की तरफ ताकने लगे। रत्ना भी गुमसुम बैठी थी। मंगलवार को स्वयंवर सभा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। पूरा राज्य उत्सव मना रहा था। दूर राज्य से एक से बढ़कर एक धुरंधर स्वयंवर में हिस्सा लेने आए थे। राजकुमारी रत्ना की सुंदरता की ख्याति इतनी महान थी कि सभी उससे विवाह करना चाहते थे। ऊपर से सभी को ये मालूम था कि आज नहीं तो कल राजगढ़ का सिंहासन रत्ना के हवाले होगा ही, फिर राजकुमारी का होने वाला वर उस पर अपना हक जमा सकता है। बेमन से रत्ना तैयार होकर समारोह में आई। हर कोई उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन रत्ना का ध्यान सदाशिव पर था, जो नजरें झुकाए मैदान पे खड़ा था। द्वंद आरंभ किया जाए। एक के बाद एक राजकुमार आकर सदाशिव से लड़ते रहे, लेकिन कोई भी उसे तलवारबाजी में हरा नहीं पाया। केवल राजघराने से ताल्लुक रखना काफी नहीं है, हमारी पुत्री का वर सोच में,
शक्ति में और पराक्रम में भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और जब तक हमें उसके योग्य राजकुमार नहीं मिलता, हम खोज जारी रखेंगे। सभा समाप्त होती है। लगता है ये राजा अपनी बेटी और इस राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, राजगढ़ ने हमारे गौरव को अपमानित किया है, इन्हें इस गलती की वजह से भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी, अब तो आप प्रसन्न हैं, सूरवीर सदाशिव को हरा दे, ऐसा कोई है यहाँ पर? तभी मैदान में गंगाधर का आगमन हुआ। उसके हाथ में एक तलवार भी थी। पूरी प्रजा उसे वहाँ देखकर ताजुब भी थी। गंगाधर, आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? हम भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए शूरवीर से द्वंद करेंगे। गंगाधर की बात सुनकर सभी मंत्री चौंक गए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये असंभव है। हमारे विधि के हिसाब से राजपुरोहित का विवाह राजकुमारी से नहीं हो सकता। नियम नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि असंभव है। रत्ना ने महाराज की आंखों में एक अजीब सी बात गौर की। उनकी पुतलियां लाल रंग की हो गई थी। ये हम क्या देख रहे हैं? लेकिन तभी महाराज बोल पड़े। गंगाधर ठीक कह रहे हैं, ये हमारी पुत्री के योग्य है, और इनसे विवाह करके राजकुमारी को हमसे दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। महाराज के इस फैसले से प्रजा और मंत्रीगण आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। गंगाधर द्वंद में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ गया था। उसने सदाशिव पर एक जोरदार वार कर दिया। सदाशिव उसकी ताकत महसूस कर रहा था। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। आज मैं तुम्हें पराजित करके हमेशा के लिए रत्ना को तुमसे छीन लूंगा सदाशिव। क्या सदाशिव गंगाधर को पराजित कर पाएगा? क्या ये सब गंगाधर की सोची समझी साजिश थी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड।